इंडस्ट्री में आपका सबसे क्लोज फ्रेंड सलमान खान, उनसे तो उनका आशीर्वाद चुराना चाहिए। मजा ही इसलिए आता है क्योंकि बच्चों के साथ खुद बच्चा बन जाता हूँ। विल विवेक ज्वाइन पॉलिटिक्स? बहुत सारी चीजें बनना चाहता हूँ, इसीलिए तो एक्टर बना। तो अब विवेक के साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। विवेक, वन थिंग दैट विवेक ओबराय कांट लिव विदाउट? माय फैमिली। व्हाट इज द वियर्डेस्ट रूमर और न्यूज यू हैव हर्ड अबाउट योरसेल्फ? टू मेनी वियर्ड रूमर्स एंड न्यूज, सो आई डोंट पे अटेंशन टू इट एनीमोर। अच्छा, अगर आपको टाइम मशीन में डाल दिया जाए और आपको पीछे जाकर कुछ चीज सही करनी हो तो क्या करेंगे? पीछे जाकर तो नहीं करूंगा, मुझे अगर टाइम मशीन मिल जाए तो आगे चले जाएंगे भाई, देखने के लिए कि आगे क्या होने वाला है लाइफ में। बहुत एक्साइटिंग होगा, फ्यूचर में क्या होने वाला है। सोशल मीडिया पे कई सारे क्वेश्चंस आए हैं आपके लिए। इज विवेक ओबराय ओनर ऑफ ओबराय होटल्स? आई विश। विल विवेक ज्वाइन पॉलिटिक्स? नहीं यार, अगर करना होता तो 2004 से लेके 19 तक शायद 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की नेशनल पार्टीज रीजनल पार्टीज सबसे ऑफर आ चुका और मैंने कभी हाँ की नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि बिना पॉलिटिक्स ज्वाइन किए शायद मैं देश की ज़्यादा सेवा कर पाऊँ। हाउ इज विवेक्स रिलेशनशिप विद किड्स? आई लव चिल्ड्रन। मज़ा ही इसलिए आता है क्योंकि बच्चों के साथ खुद बच्चा बन जाता हूँ, और अगर वो मेरा शो देखें आप इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज, तो इसीलिए किया मैंने वो शो, बच्चों के साथ खेलने का इतना मज़ा आया। और किड्स इन रियल लाइफ ऑल्सो अमेजिंग, लव देम। नेम 3 मूवीज दैट मेड यू इमोशनल। मैं बहुत सारी पिक्चरें देख कर इमोशनल होता हूँ। हाल ही में जब मैंने उरी देखी बहुत इमोशनल हुआ, क्योंकि देशभक्ति की एक स्ट्रॉन्ग भावना है। फिल्म्स मैं बच्चों की भी देखता हूँ, बच्चों की फिल्मों में भी मैं इमोशनल हो जाता हूँ कभी कभी, एकदम एक वो इमोशन उमड़ आता है। और तो जैसे मैंने लायन किंग जब देखी थी तो उसमें भी इमोशनल हो गया था और बीवी मेरी हंसने लग गई कि क्या एनिमेशन में भी तुम हंसने लग जाते रोने लग जाते हो। और एक मैंने फिल्म अभी देखी थी तुषार की, हीरा नंदानी की, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत स्ट्रांगली बनाई थी फिल्म सांड की आँख। मुझे मेरी दादी की बहुत याद आई, मुझे मेरी नानी की बहुत याद आई। आई रिमेंबर्ड ऑल द वुमेन इन माय फैमिली एंड गॉट वेरी इमोशनल। इंडस्ट्री में आपका सबसे क्लोज फ्रेंड? बहुत हैं, किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत हैं जो दोस्त हैं भाई हैं। नेम 3 एक्टर्स हु प्लेड विलन्स इन द लीड। शाहरुख, मी, संजू बाबा। व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से फैमिली? माय यूनिवर्स। हैप्पीनेस? माय फैमिली। लव? द फंडामेंटल पिलर ऑफ लाइफ। पॉलिटिक्स? इम्पॉर्टेंट बट डिफिकल्ट। अगर विवेक को एक पावर दे दी जाए कि अगले जन्म में उनको क्या बनना है ये पता हो तो क्या बनेंगे? बहुत सारी चीज़ें बनना चाहता हूँ, इसीलिए तो एक्टर बना, क्योंकि हर रोल में आप कुछ अलग बन सकते हैं। आई थिंक मेरा हमेशा से मकसद रहा कि जब मैं छोटा था कि मुझे एक साइंटिस्ट बनना था, और साइंटिस्ट बन के ना साइंस के ज़रिए साइंस के माध्यम से जो टर्मिनल इलनेसेस है जैसे कैंसर है फॉर एग्ज़ाम्पल, इन सबको फाइट करना। वो तो नहीं कर पाया, लेकिन इस जन्म में वो कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के माध्यम से पिछले 17-18 साल में हमने 2.5 लाख बच्चों को, कैंसर पीड़ित बच्चों को सेव तो किया, फ्री ट्रीटमेंट्स करा के और उनकी हेल्प करके, निःशुल्क सेवा करके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो एक जो ड्रीम था, वो एक एम्बिशन था, वो टू सम डिग्री हमने अचीव कर लिया। अगर आपको स्टील करना हो, चोरी करना हो इन पर्टिकुलर एक्टर से, तो क्या आप करेंगे? शाहरुख खान से। His amazing songs. Akshay. Some of his amazing stories and movies that he has done recently. Salman Khan. I don't know what I'm thinking. His discipline
with maintaining his body for so many years. He's very disciplined and goes to the gym regularly. At last, Amitabh Bachchan. Oh my God. उनसे तो उनका आशीर्वाद चुराना चाहिए. थैंक यू सो मच विवेक, आपसे बात करके पता ही नहीं चला इतनी इंटरेस्टिंग बातें हुई और इतनी दिल से आप बात करते हैं ना, वो दिल तक पहुंची हैं. हम चाहेंगे कि आप इसी तरीके से एंटरटेन करते रहें लोगों को और अपने फैंस को, और एक से बढ़कर एक फिल्में करते रहें और इसी तरीके से सोशल कॉज और नेशनल इंटीग्रिटी और ये सब काम भी करते रहें. थैंक यू सो मच. जय. थैंक यू सर.